हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना वड़ा की रेसिपी। व्रत में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो अगर आप वही आलू खा के बोर हो गए ना, तो ये रेसिपी ट्राई करें, आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लस ये क्रंची क्रंची लगेगा तो बहुत ही अलग स्वाद देगा, और वैसे भी साबूदाना खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो आप ज़रूर बनाएं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन उबले हुए आलुओं को कद्दूकस कर लिया। अगर आलू आपके ऐसे ही गर्म है तो आप ऐसे हाथों से मैश कर सकते हैं। मेरा साबूदाना बिल्कुल भीगा हुआ था, अच्छे से भीगा हुआ था। इसमें मैंने इन सारे मैश्ड पोटैटोज़ को डाल दिया, और उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा मूंगफली पाउडर, ये भुना हुआ मूंगफली का पाउडर है। इसके बाद मैंने इसमें जिंजर डाल दिया और मिर्ची डाल दिया। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डालें। इसकी खास बात यह है कि ये जो साबूदाना होना चाहिए बहुत ही अच्छे से सोख होना चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर भी आप डाल सकते हैं, मैंने ऐसे खड़ा जीरा पाउडर डाला है, जीरा डाला है। उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, और ये मैंने सेंधा नमक डाल दिया क्योंकि मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। आप नॉर्मली अगर बना रहे हैं तब भी आप नमक डाल सकते हैं, नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। ध्यान रखिए, जो साबूदाना है बहुत ही अच्छे से भीगा होना चाहिए। इसको भिगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, 2-2.5 घंटे लगेंगे, बहुत ही पेशेंटली आपको भिगाना है। तो ये बहुत अच्छे से भीगा हुआ था। मैंने साबूदाना भिगाने की रेसिपी जो है अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप उसे देखें और उस तरीके से साबूदाना भिगाएंगे तो आपका जो टिक्की बनेगा वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। क्योंकि हम बहुत की लोगों की कंप्लेंट सुन चुके हैं कि उनका मतलब जब भी वो तेल में डालते हैं तो उनकी टिक्की जो है वो टूट जाती है, उसकी बाइंडिंग अच्छी से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आपके साबूदाने अच्छे से भीगे नहीं होते, यही रीज़न है कि जो टिक्की होती है वो फूट जाती है। तो साबूदाना भिगाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब देखिए, इन सारी टिक्कियों को जब ये एक साइड से अच्छे से पक जाए तभी आपको पलटना है, और दूसरे साइड भी अच्छे से पका लेना। इस तरीके से इन सारी टिक्कियों को उलट पुलट कर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक आपको तल लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये टिक्कियाँ बनती हैं, तो एक अलग ही स्वाद रहता है इनका खाने में, तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। साबूदाना कम कम पानी में करके, पानी छिड़क छिड़क कर ही सोक किया जाता है, ध्यान रखें। और साबूदाना भिगाने की रेसिपी मेरे चैनल पर ज़रूर देखें। थैंक यू।